आपको बोल के कहा था कि जब कैमरा आता है कुछ होने लगता है। हेलो जी, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है क्रिकेट के बारे में, पूरा व्लॉग क्रिकेट के ऊपर होगा क्योंकि चांदा ग्लेडिएटर्स खेलने के लिए जा रही है मुइन 11 से, मुइन खान एकेडमी में। मुइन खान को तो आप जानते ही होंगे यार। सो, मैं मैच खेलता हूँ लेकिन खेलूंगा नहीं, बिकॉज ऑफ दैट मुझे व्लॉग करना था। तो ये पूरा व्लॉग क्रिकेट के बारे में होने वाला है, तो बड़ा मजा आएगा। स्टे ट्यून्ड। अकेडमी तो पहुंच गए, अब एंटर होते हैं और देखते हैं क्या सीन है। मुइन खान आया नहीं है, एक्साइटेड। मेहमान है लेकिन गाड़ी अंदर नहीं लाने की। बढ़िया, रेड कारपेट पे सोहेल चांदा चलते हुए, मुइन खान ने रेड कारपेट लगाए विद शूज। क्या बोलेंगे इस ओवर के बारे में? एक विकेट ले ली यार। ये आप अंपायर से पूछें। आज अंपायर ने पहली दफा कहा है कि आपका इन स्विंग इतना बेहतर है। जैसे किसका होता था इन स्विंग बेस्ट? किसका? वसीम अकरम का? नहीं, फिर और मोहम्मद आसिफ। क्या बात है।
चार से पांच आउट हुए अभी कॉलिंग ना करे कोई भी नहीं समझे एडजस्टमेंट जो भी करनी है करीब आके डिस्कस करेंगे ऐसे नहीं एक बात बोलूंगा और सब एक जगह आवाज ही नहीं मान एक बात से ये कहूंगा कि हम मैच जीतेंगे फील्डिंग से काइंडली यार अगर फील्ड अच्छी होगी ना इंशाल्लाह तो फिर हम आराम से करेंगे आपको हाथ जरूर मारना है बॉल पे मगर हाथ लेके बॉल नहीं करोगे छह बॉलों पे ओवर करने की कोशिश मैच जीतना है और सेलिब्रेट करना है चाहिए उस पॉइंट पे बॉलिंग पे और माशाल्लाह भी अच्छा मैच आ रहा है सोहेल भाई ने अपना कैप्टन का फर्ज अदा किया और मैंने उनकी चमचागिरी करी है उनको समझाया ऐसे खेलते हैं शानदार फंसा से करी हमने तकरीबन 22 रन से कांग्रेस कप्तान और तमाम प्लेयर Yeah, I got it.
जी भाई लोग, तो हम लोग मैच जीत गए, इसी खुशी में आप इस व्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड। ये था हमारा डे, अगर आप हम लोग मैच खेल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए और पाकिस्तान भी जीत गया है और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया, तो इस खुशी में इस व्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज। बताओ।